छोड़ूंगी। हालांकि बाद में उन्होंने इंजीनियरों को पुलिस को सौंप दिया। कानपुर के अंडरग्राउंड केबिल डालने के लिए हो रही खुदाई पर महापौर प्रमिला पांडे का ऐसा पारा चढ़ा कि उन्होंने तीन इंजीनियरों को बंधक बना लिया। बता दें कि कानपुर के आजादपुर के अंडरग्राउंड केबिल डालने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। उसी दौरान मेयर प्रमिला पांडे वहां पहुंच गई और उन्होंने वहां जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। सड़कों की खुदाई को लेकर जब मेयर ने इंजीनियरों से पूछताछ की तो वो माकूल जवाब नहीं दे पाए। इस पर महापौर दो इंजीनियरों को अपने साथ नगर निगम मुख्यालय ले गई और उनको बिना एसी और पंखे के कमरे में बैठाए रखा। इस दौरान महापौर ने कहा कि पीएमओ और सीएम से भी कॉल कराओगे तो नहीं छोड़ूंगी। हालांकि बाद में उन्होंने इंजीनियरों को पुलिस प्रमिला पांडे ने बताया कि लाइन लॉस कम करने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया गया है। हमने दो दिन पहले काम बंद कर नगर निगम को रोड कटिंग का पैसा जमा करने के लिए कहा था। सड़कों की खुदाई के लिए सिर्फ 6 लाख रुपए जमा किए गए जबकि कंपनी ने 12 करोड़ रुपए की सड़कें खोद डाली। महापौर ने अब खुद फीता लेकर रोड कटिंग की जांच करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि आखिर क्यों नगर निगम को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई गई? रोड कटिंग के गड़बड़ झाले में नगर निगम के इंजीनियर भी शामिल हैं। रोड कटिंग की पूरी जांच प्राइवेट एजेंसी से कराऊंगी। आखिर कैसे इतने कम पैसे में वार्ड वार्ड रोड कटिंग की परमिशन दी गई? टीम न्यूज स्टेट। यूपी में एक तरफ जहां पुलिस के डर से माफिया और अपराधी थरथर कांप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ आरोपी ऐसे भी हैं जिनमें पुलिस का डर दिखाई नहीं दे रहा है। वो पुलिस की ही वर्दी में पहनकर लोगों को रौब जमा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एटा से सामने आया है जहां वर्दी के सहारे फर्जी पुलिसकर्मी बन युवक लोगों से वसूली कर रहे हैं।